हाँ मेरे पास थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक उसके बाद फिर ठीक है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, थोड़ी पढ़ाई होगी। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप है मैम। के बारे में आप क्या जानते हैं? मैम एंटरप्रेन्योरशिप वो होती है जो मतलब अपना बिजनेस बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता है। बिल्कुल, जब आप एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हो, रिस्क टेकिंग बिजनेस स्टार्ट करते हो, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपिंग एंड मैनेजिंग योर बिजनेस वेंचर इन ऑर्डर टू गेन प्रॉफिट। ठीक है, जब आप एक न्यू बिजनेस या फिर न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप करते हो या फिर एक बिजनेस को मैनेज करते हो प्रॉफिट अर्निंग के लिए, वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। अब इसके अंदर जो मेन है वो इसकी थ्योरीज है एंटरप्रेन्योरशिप की। इसके अंदर 14 थ्योरीज हैं, जो हम आज मेन करने वाले हैं वो हम 3 थ्योरीज करेंगे। सबसे पहली है कंप्टर्स थ्योरी। तो चांस आप अपना माइक म्यूट कर देंगे प्लीज, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। यस मैम। स्कम्प्टर्स थ्योरी ऑफ इनोवेशन है सबसे फर्स्ट थ्योरी। स्कम्प्टर जो जोसेफ स्कम्प्टर थे, उन्होंने इस थ्योरी को बनाया था, और इस थ्योरी के अंदर बेसिकली इन्होंने बोला था कि स्कम्प्टर टेक द केस ऑफ कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन होता है जहां पर जिस मार्केट के अंदर किसी को भी फ्रीली डील करने की फ्रीडम हो। ठीक है, कि कोई भी पर्सन एंटर कर सकता है, कोई भी पर्सन एग्जिट कर सकता है, इसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत मिनिमल होता है। कैपिटलाइजेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है और फ्री मार्केट होती है, और ऐसा केस होता है स्पेशली यूएसए के अंदर। ठीक है, यूएसए और कुछ ऐसी कंट्रीज के अंदर कैपिटलाइज इकोनॉमी है। अब इन्होंने कहा था कि स्कम्प्टर ने बोला, ही बिलीव दैट एंटरप्रेन्योर डिस्टर्ब द स्टेशनरी सर्कल फॉलो इकोनॉमी। स्कम्प्टर ने बोला कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, अगर कोई न्यू एंटरप्रेन्योर मार्केट एंटर करते हैं तो वो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है। अगर वो न्यू इनोवेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट के अंदर कुछ न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं और उस न्यू प्रोडक्ट की साइड में कंज्यूमर ज्यादा अट्रैक्ट होता है, और उस वजह से एक न्यू लेवल पे हमारी मार्केट पहुंच जाती है और मार्केट में डेवलपमेंट आता है। बेसिकली इस थ्योरी के अंदर यही था। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? नो मैम, अच्छे से नहीं हुआ। ओके, इसके अंदर बेसिकली स्कम्प्टर ने कहा है कि हमारी मार्केट के अंदर जब भी एंटरप्रेन्योर एंटर करता है, कोई न्यू एंटरप्रेन्योर आया है न्यू इनोवेशन के साथ, तो उसकी वजह से हमारी मार्केट में डेवलपमेंट ज्यादा जल्दी होता है, बिकॉज वो न्यू प्रोडक्ट लेकर आता है और न्यू प्रोडक्ट की साइड कस्टमर जल्दी अट्रैक्ट होता है। ठीक है, बस इतना ही था इसके अंदर। ठीक है, अब इसकी क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। कुछ लोगों ने इसे क्रिटिसाइज भी किया। सॉरी, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है इसी के अंदर कि इनोवेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो इनोवेशन दो तरीके की हो सकती है। जो एंटरप्रेन्योर है वो दो तरीके की इनोवेशन कर सकता है। पहला, इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, जब उसने एक न्यू प्रोडक्ट इन्वेंट किया है जिस तरीके का प्रोडक्ट आज तक मार्केट में नहीं आया था। सेकेंड, इनोवेशन इन नोवल मेथड्स, यानी उसने क्या किया है, किसी पुराने मेथड के अंदर कुछ न्यू प्रोसेस इन्वॉल्व किया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द ओपनिंग अप ऑफ न्यू मार्केट, उसने एक न्यू मार्केट स्टार्ट की है। न्यू मार्केट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कोई आइडिया? मैम न्यू मार्केट, मैम नए प्रोडक्ट से ही। न्यू प्रोडक्ट से न्यू मार्केट, बिल्कुल सही। ये कुछ न्यू इनोवेशन हो सकते हैं। अब इसकी क्रिटिसिज्म पढ़ लेते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ स्कम्प्टर्स थ्योरी फर्स्ट है, क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं हम लोग। क्रिटिसिज्म, कुछ लोगों ने स्कम्प्टर की थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया। ठीक है, क्रिटिसाइज फील्स दैट थ्योरी वॉज ओवर एम्फसाइज्ड ऑन इनोवेशन फंक्शन। जो क्रिटिक्स थे उन्होंने बोला कि ये जो थ्योरी है वो सिर्फ इनोवेशन बेस्ड चल रही है, जबकि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो कुछ न्यू प्रोडक्ट लाने की बजाय कुछ पुराने प्रोडक्ट्स में ही इनोवेशन करके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या फिर किसी पुराने प्रोडक्ट के साथ ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो क्रिटिक्स ने बोला कि इतना इनोवेशन मार्केट के अंदर नहीं होता। सेकेंड पॉइंट बोला गया कि स्कम्प्टर हैड कम्प्लीटली इग्नोर द रिस्क टेकिंग फंक्शन। स्कम्प्टर ने रिस्क फैक्टर को टोटली इग्नोर किया है, उसने सिर्फ इनोवेशन पे फोकस किया। थर्ड पॉइंट, द थ्योरी इज मोर एप्लीकेबल इन डेवलप्ड कंट्रीज ओनली।
जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे स्कम्प्टर की थ्योरी वर्क नहीं करती. ठीक है, क्रिटिसिज्म क्लियर हुआ इसका? यस मैम. अगर आपको स्कम्प्टर थ्योरी आपके एग्जाम के अंदर आती है तो आपने बेसिकली स्कम्प्टर के बारे में लिखना है कि जोसेफ स्कम्प्टर ने इसे प्रोफाउंड किया, इस थ्योरी में उन्होंने क्या बोला, इनोवेशन एक्सप्लेन करना और क्रिटिसिज्म एक्सप्लेन करना. इसमें कंटेंट बहुत सारा है, बट जो मेन आपको एक्सप्लेन करना है तीन से चार चीजें करनी है. ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ सोशल चेंजेस. मैक्स वेबर थ्योरी जो थी इन्हें मैक्स वेबर ने दिया था और इस थ्योरी के अंदर बोला गया था कि ही फेल्ट दैट रिलीजियन हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन ग्रोथ ऑफ थ्योरी. उन्होंने कहा कि मैक्स वेबर का मानना था कि आपका जो भी रिलीजन है वो आपके बिजनेस को ज्यादा इफेक्ट करता है. ठीक है, रिलीजन बेस्ड कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, आप एक चिकन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल रहे हैं. ठीक है, आपने एंटरप्रेन्योरशिप पे एक बिजनेस स्टार्ट किया जो बेसिकली चिकन में डील करता है. ठीक है, तो हम ये जो चिकन डीलिंग है, कुछ ऐसे रिलीजन है जो इनमें बिलीव नहीं करते, जो इस तरीके के बिजनेस को अप्रिशिएट नहीं करते हैं. ठीक है, तो उन्होंने कहा, मैक्स वेबर का कहना था कि आपका जो रिलीजन है, जिस एरिया में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वहां का रिलीजन आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है. अगर आपका बिजनेस उस रिलीजन के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपका बिजनेस फ्लरिश नहीं कर सकता. क्लियर ये पॉइंट? यस मैम. ओके, इसके भी कुछ क्रिटिसिज्म है. मैक्स वेबर हैड ट्राइड एंड मेड अ कमेंडेबल कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेनेशन, बट सम This theory also has some criticism. Theory is based on unrealistic assumption. जो critics थे उन्होंने बोला कि जो Max Weber की theory है ये unrealistic है, because सारे के सारे business जो हैं वो religion से effect नहीं. Second criticism था, the theory has been found empirical invalid. उन्होंने कहा कि invalid theory है. जो critics थे उनका मानना था कि इस तरीके का कोई effect नहीं होता. Third point, Max Weber had been criticized by many sociologists on his view on Hinduism. जो Max Weber थे, उन्होंने main example Hinduism religion का लिया था entrepreneurship के लिए. ठीक है, but जो socialist थे जिन्होंने बोला कि आप सिर्फ एक particular religion को लेकर अपनी theory नहीं बना सकते. ठीक है, yes ma'am. क्लियर हुआ यहाँ तक? उन्होंने अपनी बुक के अंदर दिया था. उस बुक का नाम था रिस्क अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट. ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप इज जेन्युइनली एसोसिएटेड विद रिस्क बेयरिंग. Knight had distinguished risk into unsurable risk and non-issurable risk. ठीक है, दो तरीके के risk में इसको distribute किया गया था Knight की side से. ठीक है, ये theory basically risk factor के ऊपर काम करती है और इन्होंने कहा था कि आपका जो risk है वो दो तरीके का हो सकता है. एक ऐसा risk जिसे आप bear कर सकते हो, यानी for example आपने 100 rupees से अपना business start किया, वैसे इतने कम से होता नहीं, but for an example 100 रुपीज से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो अगर आपको 100 रुपीज का लॉस होता है, एक छोटा अमाउंट है, तो आप उसे बेयर कर सकते हैं. दूसरा एक होता है कि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट ही 10,000 से किया है और आपका बिजनेस फ्लरिश नहीं हुआ, तो 10,000 का जो रिस्क होगा वो अनबियरेबल रिस्क होगा. क्लियर ये पॉइंट? यस मैम. ओके जी, तो आज के लिए बस ये तीन थ्योरीज ही. इन तीनों में कोई डाउट है? नो मैम.